नए साल के जश्न को लेकर नैनीताल पर्यटकों का स्वागत करने को लेकर तैयार हैं। ऐसे में हल्द्वानी और नैनीताल समेत आसपास समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी नए साल के जश्न को लेकर अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। पर्यटकों की गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए अलग से रूट प्लान तैयार किया गया है। तो आपको बता दें कि नैनीताल में एंट्री नहीं की जाएगी। नैनीताल में पार्किंग फुल होने के बाद रूसी बाईपास को पार्किंग के लिए रिजर्व रखा गया है। साथ ही कोविड को लेकर भी नियमों का पालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से नया साल मनाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप में से काफी लोग नैनीताल अपनी जर्नी का प्लान कर रहे होंगे। इस समय नैनीताल और आसपास के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ काफ़ी भीड़भाड़ होगी, काफ़ी वाहन इस समय चल रहे होंगे। इसके लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा एक बृहत ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जो नैनीताल उसके आसपास के टूरिस्ट स्थानों पे हल्द्वानी और रामनगर के लिए बना है। इन सभी को आप अच्छे ढंग से पढ़ लें, देख लें, आप सोशल मीडिया पेजेस जो नैनीताल पुलिस की हैं उनका अवलोकन कर लें और उसके हिसाब से ही अपनी जर्नी को प्लान करें।